हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जो लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन, SSC और रेलवे। किसी भी आप अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो एक टेस्ट की तरह आप लोगों इसको लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर आप अपने को दीजिएगा, अगर गलत होता है तो 0 दीजिएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट टाइप का है जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी उनके लिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है, जो RNA होता है उसमें थायमिन के स्थापन क्या होता है। तो उसमें थायमिन के स्थान पर होता है यूरेसिल। तो ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि DNA में थायमिन होता है, तो इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं बेसिकली। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसा वायरस जो नीले हरी शैवाल्स को संक्रमित करते हैं, यानी जो ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं उसको संक्रमित करता है, तो ये है साइनोफेस। तो ये वायरस है जो नीले हरे शैवाल को संक्रमित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। और अगला क्वेश्चन है कि जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, यानी सिम्बोटिक कह सकते हैं, सिम्बोटिक ऐसा होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हुए लिविंग में रहते हैं, तो इस सहजीवी जीवाणु कहते हैं। तो एक ऐसी राइबोजियम एक जीवाणु है जो दाल के पौधे में रहता है, तो इसको सहजीवी जीवाणु कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जो साबूदाना होता है, साबूदाना आप जानते होंगे वो किससे प्राप्त होता है, तो साइकस से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो द्विनाम पद्धति होती है बायोलॉजी में, उसके खोज मतलब किसने दिया द्विनाम पद्धति की, तो वह हमारे कार्ल लिनियस ने। तो कहीं कहीं पर कैरोलस लिनियस भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एक एंजाइम का स्रावण यीस्ट द्वारा किया जाता है। आप लोग को पता ही होगा यीस्ट क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपको पता होगी जिससे अल्कोहल भी बनाया जाता है यीस्ट। और तो जैमेज एक एंजाइम होता है जो यीस्ट द्वारा फर्मेंट किया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप अपने आप को टेस्ट करते हुए चलिएगा। और अगला क्वेश्चन है, जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस वो किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। वो SO2 और CO के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जो IQ का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप बहुत सुनते होंगे कि IQ बहुत बार पूछा जाता है कि इसके IQ ज़्यादा है बेसिकली बच्चे की। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ = होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु × 100। तो ये उसका फॉर्मूला होता है IQ का। और अगला क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक कोड जिन्होंने खोज करी थी, जेनेटिक कोड की सर्वोत्तम जिन्होंने कोड बनाया था वो थे डॉक्टर अरविंद खुराना। तो ये भारतीय मूल के हैं, तो उनको पूछा जाता है नोबेल प्राइज़ कब मिला। तो इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1968 में मेडिकल के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो लाल सागर का लालपन बेसिकली किसके कारण होता है। तो इसका जो लालपन होता है वो ट्राइकोडिजमियम इरिथियम के कारण होता है। तो ये देख सकते हैं, ट्राइकोडिजमियम इरिथियम के कारण होता है इसका लालपन। और अगला क्वेश्चन है कि जो शैवालों में संग्रहित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है। तो वो स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है, जो शैवाल होते हैं उनमें भोजन जो संग्रहित होता है वो इस रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, जो जलीय काई होती है, यानी पानी में जो काई लगी रहती है वो क्या होती है बेसिकली। तो वो नीले हरे शैवाल शैवाल होती है, नील हरे शैवाल यानी ब्रुगलिन एल्गी। और अगला क्वेश्चन है, जो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है बेसिकली वो लाइकेन होता है, एक किसका उदाहरण है। जो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है वो किसका उदाहरण है, तो प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, तो वो है आपका सहजीविता का एक उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है, केसर प्राप्त किया जाता है, तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है। तो केसर केसर जो होता है क्रोकस होता है, क्रोकस तो उसके जो वर्तिकाग्र और वर्तिकांश होती है यानी स्टेल ऑफ स्टिग्मा जो होती है उससे प्राप्त किया जाता है केसर। आप लोग जानते होंगे कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो बेसिकली वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जो किण्वन की खोज की वो किसने की। तो किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की, और भी बहुत सारी खोजें करी हैं लुई पाश्चर ने, उसमें आप लोग बताएंगे कौन कौन सी खोज की लुई पाश्चर ने।
और अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा जो फ्लैम होता है उसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ मुख्यतः किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, और सुक्रोज के फॉर्म में स्थानांतरित किया जाता है। तो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ होता है, जाइलम द्वारा जल और खनिज का स्थानांतरण किया जाता है पौधे में। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है, जो निषेचन के बाद जो होता है पौधे में, उसमें जो बीज बनता है बेसिकली बीजांडों में बनता है, और जो फल बनता है वो अंडाशय में बनता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि फल किस में बनता है, तो ऑप्शन दे देगा और बीज पूछ लेगा, तो ये आपको याद रखना है। और सुपारी बेसिकली कहाँ, किस भाग को, सुपारी से सुपारी किस कौन सा भाग होता है, तो भ्रूणपोष का भाग होता है, एंडोस्पर्म का, तो ये भी याद रखेंगे। और नारियल जो होता है वो भी भ्रूणपोष होता है। और ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं, यानी सच्चे फल जो होते हैं ट्रू फ्रूट्स, उसमें नीचे और विकसित अंडाशय होता है, तो ये भी आप कमेंट करेंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं नीचे एग्जांपल। और जो पादप वायरस होते हैं बेसिकली आरएनए होते हैं, और जो जंतु वायरस होते हैं वो डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, आपको चार ऑप्शन दे देगा। डीएनए और नहीं है तो डीएनए या आरएनए एक होगा, या डीएनए होगा या आरएनए होगा जंतु वायरस में, और पादप वायरस में आरएनए होगा। और प्रतिजैविक औषधि जो होती है देख सकते हैं जीवाणु से बनती है, यानी जो एंटीबायोटिक जो होती है बेसिकली तो जीवाणु से बनती है, उसका निर्माण जीवाणु से होता है। और धान के खेतों में क्या पाई जाती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है धान के खेतों में। और ग्लूकोज का जल और CO2 में जो पूर्ण अपघटन होता है, तो आप लोगों को बताया जब ग्लूकोज टूटता है तो कितने ATP का निर्माण होता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 38 ATP का निर्माण होता है ग्लूकोज के टूटने पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 ATP याद रखेंगे आप। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है, और देख सकते हैं 4.2 किलो कैलोरी होती है, और 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी होती है, तो वसा में ज़्यादा एनर्जी होती है, देख सकते हैं ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और बैक्टीरिया फेज के बारे में पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया फेज क्या है, तो वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, जीवाणु को डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, ये कह सकते हैं वो, तो बैक्टीरिया फेज आप लोगों से पूछा जाएगा। तो वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं यानी जीवाणु को मारते हैं, तो वो वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया फेज वायरस होते हैं, तो याद रखेंगे आप इतने क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे किसी इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग अपना सभी लोग कमेंट करेंगे स्कोर कि कितना कितना स्कोर आया, तो देखते हैं किसका कितना स्कोर आता है।